नमस्कार दर्शकों, मैं सुस्नेहा शर्मा आप सभी का दशा महादशा प्रोग्राम में हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आज हम जानने वाले हैं हस्तरेखा संबंधित एक मुख्य बात। इसके बिना तो हस्तरेखा विज्ञान बिल्कुल अधूरा है। अब ऐसी कौन सी बात है जो हस्तरेखा विज्ञान बिल्कुल अधूरा हो जाता है? तो सबसे पहली बात, जब भी हम हस्तरेखा देखना प्रारंभ करते हैं तो हस्तरेखा विज्ञान के अंदर सबसे महत्वपूर्ण बात आती है हमारे हाथ की, क्योंकि रेखाएं कहाँ देखी जाएंगी? रेखाएं हस्त में ही देखी जाएंगी, तभी तो हस्तरेखा विज्ञान कहलाता है, यानी हाथों में रची गई रेखाएं। तो हाथों में रची गई रेखाओं को समझने के लिए सबसे पहला काम तो यही है कि हाथ को समझा जाए, तभी जाके रेखाएं समझ में आएंगी। तो आज हम उसी बात पर ही चर्चा करने जा रहे हैं कि हस्तरेखा विज्ञान को अगर समझना है, हस्तरेखा को अगर समझना है, तो हमें हमारे हाथ के प्रकार को समझना और भी ज़्यादा ज़रूरी होगा, क्योंकि हमारे हाथ का महत्व इस विज्ञान के अंदर बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। हमारे हाथ का आकार, यानी कि हमारे हाथ की बनावट, हमारे हाथ की बनावट कैसी है, उसका आकार कैसा है, या तो आपका हाथ कैसा होगा, बहुत ज़्यादा लंबा होगा, बहुत ज़्यादा छोटा होगा, या फिर आपका हाथ सख्त होगा, या फिर आपका हाथ नरम होगा, आपके हाथ का आकार कैसा है। तो यहाँ पर हाथ के आकार के लिए, हमें डिसाइड करने के लिए काफ़ी सारे फैक्टर्स देखने पड़ते हैं। जो व्यक्ति हमें अपना हाथ दिखाने के लिए आया है, चाहे वो पुरुष हो चाहे वो महिला हो, सबसे पहले उसकी कद काठी कैसी है, शरीर की बनावट कैसी है, उसके बाद हम उसके हाथ पर नज़र डालते हैं। क्योंकि यहाँ पर हम हाथ की बात करें तो अगर किसी की हाइट बहुत ज़्यादा लंबी है तो मान के चलिए उसके हाथ भी कैसे होंगे, लंबे व चौड़े होंगे। तो उसके शरीर की संरचना के अनुसार ही यहाँ पर हम हाथ के आकार की भी बात करते हैं। उसके बिना यहाँ पर हम बात कर ही नहीं सकते, क्योंकि यहाँ पर सबसे पहले आपके शरीर की बनावट, उसके बाद आपके हाथ का आकार देखना चाहिए। अब यहाँ पर हम बात करें हमारे हथेली के आकार की, तो कैसे पता चलेगा हथेली का आकार कहाँ से शुरू होता है? तो देखिए, हमारी हथेली का जो आकार है वो शुरू होता है मणिभद्र से लेकर, यानी ये जो हमारी कलाई है यहाँ से लेकर हमारी मध्यमा उंगली तक का, क्योंकि सबसे लंबी उंगली जो हमारे हथेली की होती है वो कौन सी होती है, मध्यमा। तो मणिभद्र से लेकर हमारी मध्यमा उंगली तक, यानी उंगली के जो ये सिरे आते हैं यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक हम क्या देखते हैं, हमेशा हम हाथ के आकार को देखते हैं। तो हाथ के आकार में सबसे पहले तो हम क्या जानेंगे, तो देखिए हाथ के आकार में सबसे पहले हम जानेंगे कि ये जो हिस्सा है वो सबसे ज्यादा क्या हो, लंबा। एक नॉर्मल लंबा होता है लंबाई लिए हुए, और एक होता है अत्यधिक रूप में लंबा, यानी हाइट नॉर्मल है लेकिन ये क्या है, यहाँ पर लंबाई ज्यादा लिए हुए है। तो कोई भी चीज अगर अत्यधिक होगी तो इसका मतलब वो क्या है, कुछ अलग है, नॉर्मल से क्या है, थोड़ी अलग है, इसीलिए क्या है, वो अत्यधिक लंबी है। तो अत्यधिक लंबा होने से ये क्या होते हैं, अपने गुणों को खो देता है। गुणों को खोने का अर्थ है यहाँ पर व्यक्ति के अंदर एक सामान्य रूप से आपकी हथेली लंबी हो, जो गुण देखने को मिलते हैं वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे, रिवर्स हो जाएंगे। तो रिवर्स होने के कारण यहाँ पर गुण जो है व्यक्ति के, इस हथेली से जो हमें मिलते हैं वो ये पता चलेगा कि व्यक्ति के गुण जो है यहाँ पर वो रिवर्स हो रहे हैं। रिवर्स किस तरीके से हो रहे हैं उसे समझना जरूरी है। अगर ये आकार क्या है, अत्यधिक मात्रा में लंबा है, यानी आपकी हथेली यहाँ से क्या है, लंबाई ज्यादा लिए हुए है, तो ऐसे में व्यक्ति के अंदर धीरज की कमी हो जाती है, पेशेंस नहीं होता, कोई भी चीज चाहिए बहुत जल्दी चाहिए, और यही जल्दबाजी इनके लिए काफी समस्या का कारण भी बन जाती है, जो ये कभी कभी समझ नहीं पाते हैं। जैसे कोई व्यक्ति आके हमसे ये बात कहे कि मेरे काम हमेशा बिगड़ जाते हैं, शुरू में तो सब कुछ ठीक चलता है लेकिन बाद में चलते चलते मुझे लॉस हो जाता है, मैं डिसीजन हर बार गलत ले लेता हूँ, तो कहीं ना कहीं उसका कारण भी यहाँ देखने को मिलता है कि अगर हमें ये चीज दिख जाती है ना कि यहाँ से लेके हाथ तो इनका अत्यधिक लंबा है, तो ये बात क्लियर हो जाएगी कि गलती कहीं ना कहीं इनकी खुद की है जिसकी वजह से ये दिक्कतें आ रही है। अब गलती इनकी क्या है, सबसे पहली बात इसमें धैर्य की कमी है। काम इन्होंने मान लीजिए स्टार्ट किया, जैसा जिस व्यक्ति का ऐसा हाथ हो उन्होंने काम को शुरू किया लेकिन लंबे समय तक उस काम में टिक नहीं पाए, क्यों, धैर्य की कमी है। कोई भी काम अगर आप स्टार्ट करते हैं, अपना नया बिजनेस स्टार्ट करते हैं, तो थोड़ा पेशेंस आपको रखना ही पड़ेगा, एकदम से उसका रिजल्ट आपको नहीं मिल सकता है,
लेकिन जैसे ही आपने काम स्टार्ट किया, दो दिन महीनों में ही आपने अपना क्या किया, सेटअप पूरा का पूरा बंद कर दिया, यानी अपने ऑफिस को आपने बंद कर दिया। क्यों? आपको रिजल्ट नहीं मिला। इसे कहेंगे धैर्य की कमी। तो ऐसे कई सारे कारण हमें देखने को मिलते हैं जब हाथ अत्यधिक लंबा होता है। तो लंबाई लिया हुआ हाथ व्यक्ति के अंदर धैर्य में कमी कर देगा। उसको बेचैनी होना शुरू हो जाएगी कि हो क्यों नहीं रही है आखिर वो चीज। और इसी बेचैनी में आकर व्यक्ति हमेशा गलती करता है, चाहे वो कार्य क्षेत्र हो, चाहे वो उनका पारिवारिक मामला ही क्यों ना हो। अपने जीवन के संघर्ष से डरते हैं, इन्हें स्ट्रगल करना पसंद नहीं है। देखिए, ये बात तो सीधी हो गई, जिनमें सब्र नहीं है वो स्ट्रगल नहीं कर सकता। क्यों? सहने की क्षमता कम है। स्ट्रगल केवल वही कर सकता है जिसमें सहने की क्षमता ज्यादा हो। और सहने वाला व्यक्ति हमेशा आगे बढ़ता है। क्यों? क्योंकि अच्छा और बुरा दोनों ही वक्त उसके अंदर बर्दाश्त करने की क्षमता होती है। इसे हम ऐसे समझ सकते हैं, आज अगर अंधेरा है तो अगले दिन सुबह भी होगी, आज सुबह है तो फिर रात भी होगी। तो अच्छा और बुरा समय दोनों ही क्या है, प्रकृति प्रदान करती है। सुख के बाद दुख, दुख के बाद सुख भी व्यक्ति को जीवन में देखने को मिलता है। क्योंकि यहां पर हम बात करें तो इनमें सहने की क्षमता है ही नहीं, तो हार जल्दी मान लेंगे। तो हार मानेंगे तो आगे बढ़ेंगे कैसे? तो इनकी असफलता का कारण जो मेन यहाँ पर पता चलता है वो है इनकी हाथ की लंबाई। कहीं ना कहीं ऐसा व्यक्ति खुद ही रिस्पॉन्सिबल होता है, अपनी असफलता का कारण बनता है अपने नेचर के कारण। अब यहाँ पे हम बात करते हैं दूसरे आकार की। अभी तो हमने जाना था लंबा हाथ, अत्यधिक लंबा हाथ। अब हम जानेंगे सामान्य लंबा हाथ, यानी सामान्य रूप से जो लंबा होता है, जो नॉर्मल कैटेगरी के आता है लंबाई लिए हुए। अब ये होता है अपने मूल गुणों को लिए हुए। जैसे पहले वाला था, उन्होंने अपने क्या किए, मूल गुण खो दिए थे। अब बात करते हैं इनके मूल गुणों की। तो ये जातक को अपने मूल गुण प्रदान करता है। कैसे? कोई व्यक्ति मान लीजिए अपना हाथ दिखाने आएगा, उसका हाथ सामान्य लंबाई लिए हुए है, तो सबसे पहली बात, एक चीज यहां से क्या क्लियर होगी उस व्यक्ति के बारे में, ऐसा व्यक्ति व्यवहार कुशल है, पेशेंस लेवल बहुत अच्छा है, कैसे भी परिस्थिति आएगा कभी भी उसका मन डगमगाने वाला नहीं है। हमेशा वो एक ही बात सोचते हुए चलेगा कि जीवन में मुझे उन्नति प्राप्त होनी ही होनी है, लेकिन मुझे सिर्फ और सिर्फ मेरा कर्मा करना है। कर्मा यानी मेरी जो ड्यूटीज है मुझे आगे बढ़ाने के लिए, वो सारी ड्यूटीज मुझे फुलफिल करनी है जिससे मैं अपने जीवन में आगे बढ़ सकूं। तो ये हुआ सामान्य रूप से लंबान लिया हुआ हाथ। तो ऐसे में व्यक्ति बहुत ज्यादा पॉजिटिव होता है अपने करियर को लेके, अपनी सोच को लेकर, अपनी प्लानिंग्स को लेके। नेगेटिविटी इनके अंदर नहीं देखी जाती। क्यों? व्यवहार कुशल होने के साथ साथ प्रसन्न चित्त भी रहते हैं, यानी हमेशा मुस्कुराते हुए ही आपको मिलेंगे, चाहे दुख हो चाहे सुख हो, कैसा भी समय क्यों ना हो। अच्छा समय है तो खुल के जिएंगे, दुख में है तो इसको ऐसे समझ लीजिए, ये समझेंगे कि कहीं ना कहीं इसके बाद मेरे जीवन में सुख भी आएगा, तो ये समय भी मुझे निकालना ही है, वो भी मुस्कुराते मुस्कुराते। तो ये हुआ सामान्य रूप से लंबान लिए हुए हाथ। अब सामान्य हाथ की बात करेंगे, यानी एवरेज हाथ। एवरेज हाथ का अर्थ हुआ ना ज्यादा लंबा हुआ ना ज्यादा छोटा आकार का हाथ हुआ। एवरेज हाथ यानी बॉडी के कंपेयर में हाथ कैसा है, नॉर्मल है, एवरेज है, सामान्य कैटेगरी का है आपका हाथ। तो ऐसे में जब हाथ का जो आकार है वो क्या हो, सामान्य हो, तो सामान्य होने में बातचीत करने का व्यक्ति काफी धनी होता है। कहने का मतलब है दुनियायावी व्यक्ति है, सोशलाइज करने वाला व्यक्ति है, लोगों के साथ बनाकर चलने वाला व्यक्ति है, अपने इर्द गिर्द हमेशा लोगों को रखने वाला व्यक्ति हुआ। यानी बिना बात के ऐसा व्यक्ति जी नहीं सकता, बहुत ज्यादा एक्सप्रेसिव होता है, उसकी हर बात उसकी वाणी से स्पष्ट होती है और लोगों को अपनी ओर आकर्षित करती है। यहाँ पर आकर्षण करने का मतलब है ऐसा व्यक्ति जब भी बोलेगा इतना अच्छा बोलेगा कि कोई भी व्यक्ति उसकी बातों में गलती निकाल ही नहीं सकता है। यानी अपनी और अपनी वाणी से आकर्षण कहें तो ऐसे लोगों में देखने को मिलता है, जो कि बहुत ही अच्छी क्वालिटी मानी जाती है इनकी वाणी के द्वारा। ऐसे लोग एक अच्छे सेल्समैन बन सकते हैं या बिजनेसमैन बन सकते हैं, क्योंकि ये अपनी वाणी के थ्रू लोगों को अपनी और आकर्षित करके अपना काम करवा सकते हैं। तो ये प्लस पॉइंट है यहाँ पर। तो सामान्य हाथ की कैटेगरी बहुत अच्छी मानी जाती है। इसी हाथ की अगर हम बात करते हैं यहाँ पर सामान्य हाथ की, तो मित्रों में हमेशा प्रिय रहते हैं, मित्रों की संख्या इनकी हमेशा क्या रहती है, अधिक रहती है। रिश्तेदारों में भी सबसे ज्यादा प्रिय देखने को मिलेंगे, यानी हर घर के व्यक्ति जो भी आपके फैमिली मेंबर्स आपके रिश्तेदार हैं उन सबके मुंह पे हमेशा ऐसे ही व्यक्तियों का नाम
सबसे पहले आता है। कुछ सीखना है तो ऐसे व्यक्तियों से सीखो, यानी जिनका हाथ क्या हो, सामान्य हो। आपके फैमिली मेंबर में अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जिनका हाथ सामान्य है, तो हमेशा आपको उदाहरण उन्हीं का ही सुनने को मिलेगा। तो ये आपको क्या देता है, नाम भी देता है, एक अच्छी पहचान भी देता है, और लोगों के बीच में, अपने रिश्तेदारों के बीच में, अपने मित्रों के बीच में एक अच्छी बॉन्डिंग भी बनाकर देता है। तो यूं कहें सबसे घुल मिलकर रहने वाले व्यक्ति होते हैं जिनके हाथ का आकार जो होता है वो कैसा होता है, सामान्य होता है। अब हम बात करेंगे चौथे आकार की। चौथा आकार होता है यहाँ पर छोटा हाथ। क्या हो, हाथ की जो लंबान हो कैसी हो, वो छोटी हो। छोटे में यहाँ पर दिक्कत सबसे बड़ी ये आती है कि व्यक्ति जो होते हैं वो आलसी होते हैं। आलसी इन सेंस कुछ भी नहीं करने की इच्छा इनके अंदर ज्यादा देखने को मिलती है। मान लीजिए इनसे कोई काम भी कहा जाए तो वो भी इनसे नहीं हो पाएगा सही तरीके से, तो दिक्कतें तब बढ़ना शुरू होती है। जीवन में उन्नति हो जाएगी, कर लेंगे, अभी उम्र ही कितनी है, अभी बहुत समय पड़ा है, इस तरीके के एक्सक्यूजेज आपको सुनने को हमेशा मिलेंगे इनके मुंह से। कभी ये नहीं बोलेंगे ठीक है मैं करके दिखाऊंगा, मैं कर लूंगा, नहीं, हो जाएगा, बाद में करता हूं। तो ये सारी की सारी बातें आपको ऐसे व्यक्तियों के मुंह से सुनने को मिलेंगी जिनके हाथ जो है वो कैसे होते हैं, छोटे होते हैं। किसी भी चीज में रुचि इनको होती नहीं है, बस जीवन जीने के लिए ही जी रहे हैं। जीवन में अगर इनके सामने सही अवसर भी आ जाए तब भी उसको पहचान नहीं पाएंगे, ये भी इनके अंदर एक कमी देखी जाती है। तो कहीं ना कहीं इनका ये नेचर ही यहाँ पर कारण बनता है इनके जीवन में सक्सेसफुल नहीं हो पाने का। फिर ये शिकायत करते हैं कि हमारी किस्मत ही ऐसी है, इनका नेचर ऐसा है, इन्हें वहां चेंजेस करने चाहिए। अगर हमें हमारी कमियां पता हो तो हम हमारे जीवन में सबसे पहले सुधार कर सकते हैं, क्योंकि वो हम ही है जो सब कुछ बदल सकते हैं। हमारा कर्मा सब कुछ बदल सकता है। भाग्य का समर्थन भी उतना ही जरूरी है, लेकिन उससे ज्यादा जो महत्वपूर्ण है वो है हमारा कर्म। हम कर्म ही नहीं करेंगे तो फल की प्राप्ति कहां से होगी। फल हमारा भाग्य है तो कर्मा हमारा कर्म है। तो कर्म करना बहुत ज्यादा जरूरी है, जो छोटे हाथ वाले व्यक्तियों से बहुत ही कम देखने को मिलता है। इनके अंदर एक कमी और भी देखी जाती है कि अगर कोई इन्हें व्यक्ति समझाने वाला भी मिल जाए जो इनके अंदर परिवर्तन करने वाला हो, तो फिर वो इनके गुस्से का शिकार हो जाता है, क्योंकि इनको गुस्सा बहुत जल्दी आता है। काम करने में आलस्य रहेगा, जीवन में आगे बढ़ने में आलस्य रहेगा, लेकिन गुस्से के मामले में सबसे पहले आगे होते हैं, वहां ये आलस्य नहीं दिखाते। जो व्यक्ति इनको समझाने की कोशिश करे, बदलने की कोशिश करे, तुम्हें अपने अंदर चेंजेस लाने चाहिए, यूं कहें कि उसको उसका दर्पण दिखा दे, यानी अपना ही मिरर उनको दिखा दे, तो ऐसे में इनकी तकलीफें थोड़ी ज्यादा बढ़ जाती हैं। तो ये दिक्कत का कारण बन जाती है इनके खुद के लिए, क्योंकि ये जल्दी क्रोधित हो जाएंगे उस अगले व्यक्ति के ऊपर। पांचवा जो आकार होता है वो होता है सबसे छोटा हाथ। इससे पहले हमने जाना था छोटा हाथ, अब जानेंगे सबसे छोटा हाथ। शरीर के आकार से हाथ क्या हो, बहुत ही ज्यादा छोटा हो, यानी असामान्य रूप से हाथ क्या हो, छोटा हो। यहां से हथेली से लेकर उंगली तक का भाग इसकी लंबान जो है वो बहुत ज्यादा कम हो, यानी आपके बॉडी के कंपेयर में क्या हो, ये चीज छोटी हो। तो ऐसे व्यक्ति कल्पना जगत में विचरण करने वाले होते हैं। अब कल्पना जगत में विचरण करने से अर्थ समझाती हूँ आपको। तो देखिए, कल्पना जगत में विचरण करने का अर्थ होता है कि सब कुछ आप सोच रहे हैं, केवल कर कुछ नहीं रहे, केवल आपके मस्तिष्क में बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी प्लानिंग्स हैं, सभी चीजों को लेकर, अपने फ्यूचर्स को लेकर, उसके बाद आपको ये करना चाहिए आपके करियर रिलेटेड, आपको ऐसे सपोर्ट करना चाहिए अपनी फैमिली को, यानी सारी सिर्फ और सिर्फ बातें हैं। अभी तक वो बातें हकीकत का रूप नहीं ले पाई है, तो केवल सब कुछ क्या है, आपके सोच में है, लेकिन वो सब कुछ अभी तक फॉर्मुलेट नहीं हो पाया, यानी कि क्रियान्वित नहीं हो पाया है। आप उसको करने की कोशिश करते हैं लेकिन कर नहीं पाते हैं, तो ये भी यहां पर दिक्कत देखने को मिलती है। अगर आपकी यहां से लेके यहां तक का भाग जो है, यानी हाथ का जो आकार है वो क्या हो, असामान्य रूप से छोटा हो, तो ये दिक्कतों का कारण यहां पर ऐसे बन जाता है। ये जो व्यक्ति हैं जिनका हाथ असामान्य रूप से छोटा होता है, इनसे थोड़ा बच के रहना चाहिए, क्योंकि ये स्वार्थी होते हैं और अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए किसी का भी लाभ उठाते समय ये जरा सा भी नहीं सोचते हैं। हाँ,
हाथ के अंदर भी देखना चाहिए, रेखाओं को भी देखना चाहिए, कई सारी बातें यहाँ पर देखनी चाहिए। यानी ये जो बातें आपको मैं बता रही हूँ वो बेस है। यानी सबसे पहली बात, अगर छोटे हाथ पर आपकी नजर जाती है असामान्य रूप से कि भाई ये बहुत छोटा है, लेकिन हस्तरेखाओं के आधार पर भी यहाँ पर कमी देखने को मिल सकती है ऑल ओवर जब हम बात करें तो, यानी ये चीज इन चीजों में कमी ला सकती है। लेकिन मूलतः हम बात करें तो यहाँ पर ये स्वार्थी तो व्यक्ति को बनाएगा ही बनाएगा, हर हद से पार करता हुआ स्वार्थी बनाएगा। यानी अपनी स्वार्थ को पूरा करने के लिए ये किसी भी लेवल तक जा सकते हैं, किसी भी लेवल तक गिर सकते हैं, इसको ऐसा समझना चाहिए। तो जितना हो सके ऐसे व्यक्तियों से थोड़ी दूरी बना के रखी जाए उतना ही अच्छा है, क्योंकि ये व्यक्ति आपको कभी भी धोखा दे सकते हैं। यानी ऐसा हाथ धोखा देने वाला ज्यादा देखने को मिलता है। अगर विश्वासघात कोई करता है किसी के साथ में तो ज्यादा से ज्यादा ऐसे हाथ वाले ही व्यक्ति होते हैं, लेकिन पूरी पुष्टि पूरा हाथ देखने के बाद ही की जा सकती है। ये जो कुछ भी करते हैं केवल अपने लिए करते हैं, समाज से संबंधित कभी भी योगदान इनका नहीं रहता है। यानी इन्हें दूसरों से मतलब कुल मिलाकर है ही नहीं। सबसे बड़ी बात यहाँ पर यही है, इनके जीवन में हमेशा मैं शब्द सर्वोपरि रहता है। केवल मैं, मैंने ये किया, मैंने ये सब किया, मैं ही करूंगा। तो यहाँ पर इनका जो मैं है वो खुद से कभी छूटता नहीं है। एक स्वार्थ, दूसरा मैं, तीसरा अहम, ये तीन चीजें इनके जीवन में हमेशा इनके पतन का कारण बनती है। इनकी असफलता का कारण भी यहाँ पर यही है। अगर इन्हें जीवन में सफलता चाहिए तो इन्हें सबसे पहले अपने अंदर से मैं को मिटाना होगा, अपने ईगो को खुद से अलग करना होगा, अपने स्वार्थ को खुद से दूर करना होगा, दूसरों के लाभ का सोचना होगा, तो ये सफलता को प्राप्त कर सकते हैं अपने जीवन में। इन्हीं के आधार पर आगे फिर बात होती है हस्त रेखाओं की, हमारे हाथ में रेखाओं की, पर्वतों की, उसके बाद चिन्हों की, उसके बाद हम बात करें यहाँ पे तो ऑल ओवर फिर हम कंसिडर करते हैं कि ये चीजें व्यक्ति के जीवन में है जिसके कारण व्यक्ति को समस्या आ रही है, व्यक्ति का जीवन अच्छा व्यतीत हो रहा है, कई सारी ऐसी बातें हैं। लेकिन सबसे पहली बात ही यही आती है कि जब भी हाथ देखना शुरू करते हैं हमारी उंगलियां, हमारे नाखून, हमारे हाथ का आकार, ये सब कुछ इंपॉर्टेंट है। फल कथन करने से पहले कुछ बेसिक चीजें इंपॉर्टेंट होती है, उन्हीं बेसिक चीजों में से ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये काफी कुछ बता देता है। जैसे कि हम मिरर में खुद को देखते हैं तो वो क्या देता है, हमारा रिफ्लेक्शन, यानी हमारी परछाई, हमारा प्रतिबिंब। ठीक उसी प्रकार ही हमारे हाथ का प्रकार, आकार भी हमारे लिए हमारे प्रतिबिंब के समान है। ये आज हमने जाना बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में। इसे मैं महत्वपूर्ण इसलिए कहूंगी क्योंकि ये बेस है, बिना बेस के एडवांस लेवल तक नहीं जाया जा सकता। तो ये क्या है, बेस है, बेस से आगे बढ़ना चाहिए। तो अगर आप इसके बारे में चीजों से समझते हैं, आपको ऐसे लोग कई सारे देखने को मिल जाएंगे, तो आप हाथ के आकार से भी यहाँ पर लोगों को जज कर सकते हैं। अगर आपके आसपास ऐसे लोग हैं बहुत ही छोटे हाथ वाले, उनकी बॉडी के कंपेयर में उनकी हथेली का अत्यधिक मात्रा में छोटे हो, अगर आप कोई अपने बिजनेस की डील करने जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपके मन में सबसे पहले ये बात आनी चाहिए, कहीं ये व्यक्ति मुझे धोखा तो नहीं दे देगा। क्यों? क्योंकि इसके हाथ का आकार जो है वो असामान्य रूप से छोटा है। यानी वो स्वार्थ सिद्धि कर सकता है आपके साथ में, अपने मतलब के लिए आपके साथ में जुड़ सकता है। इसीलिए मैंने इसे कहा यहाँ पर बेस। तो यहाँ पर हम खुद भी काफी हद तक जान सकते हैं अन्य व्यक्ति के बारे में। अब मैं चाहूंगी आपसे विदा, कल फिर हम मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, नई जानकारी लेकर। नमस्कार।